हेलो, वेलकम टू द एसके रूफटॉप किचन गार्डन। आपका एसके रूफटॉप किचन गार्डन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है, आपको देखकर समझ लग ही रहा होगा, टमाटो। ये देखिए, ये टमाटो का खेत है हमारा। ग्रो बैग्स में हमने लगाए हुए हैं टमाटर। ये देखिए, अब टमाटर की फ्लावरिंग शुरू हो चुकी है। ये देखिए, कई प्लांट जो उनसे हमने लेट लगाए थे, उनको अब फ्लावरिंग आनी शुरू हो रही है। ये देखिए प्लांट, देखिए हमारा कितना छोटा सा है अभी। इसको ये देखिए, कितने सारे फ्लावर के गुच्छे लग रहे हैं। ये देखिए जो उनसे हमने पुराने प्लांट्स लगाए हुए हैं, उनमें अब फ्लावरिंग बनकर फ्रूटिंग होनी शुरू हो चुकी है। देखिए, फ्रूट सेट हमारा हो चुका हुआ। ये देखिए, ये देखिए फ्रूट सेट हमारे प्लांट में हो चुका। ये देखिए, ढेर सारे टमाटर लगे हुए एक प्लांट में हमारे। ये देखिए, फूल कन्वर्ट भी हो रहे हैं फ्लावर फ्रूट में। छोटा सा प्लांट है, ये देखिए, इसके साथ वाले प्लांट में भी अब फ्लावरिंग शुरू हो चुकी है। जब टमाटर, ये देखिए, इसमें भी फ्रूट सेट होना शुरू हो चुका है। जब टमाटर को फ्लावरिंग आनी शुरू हो जाए, जैसे ही इस स्टेज पर हो आपका प्लांट, अब फ्लावरिंग के गुच्छे लगने शुरू हो चुके हैं, आप अपनी सॉइल में पानी डालना कम कर दिया करें। ये देखिए हमारी, ये अभी छोटा सा प्लांट है। ये देखिए मेरी, ये देखिए, ये अभी, ये तो बड़े बड़े प्लांट हैं। ये देखिए, ये तो अभी छोटा सा, इसमें भी अभी गुच्छे आने शुरू हो चुके हैं। जब आपका प्लांट, मतलब फ्लावरिंग आनी शुरू हो जाए, आप अपनी सॉइल पे सबसे ज्यादा ध्यान रखना, क्योंकि फ्रूट सेट तभी होगा आपकी सॉइल में। ये देखिए हमारी सॉइल 1 इंच ड्राई हो चुकी है, अब हम पानी डालेंगे। ये देखिए हमारी सॉइल ड्राई है पूरी, हर एक गमले की है, एक गमले की बात नहीं करनी। ये तो अभी हमारा टमाटर का प्लांट लगाया ही है हमने, इसकी भी हमने सॉइल पूरी गीली नहीं रखी हुई, मॉइस्ट है सॉइल अंदर। ये देखिए हमारे प्लांट फ्रूट सेट हो चुका है। हमने ये नेट अब डाली हुई है अपने प्लांट पे, अब आपको दिखाना था फ्रूट, हमने साइड पे कर दी है। ये देखिए, ये नेट हमने सारे प्लांट्स पर दी हुई है, बर्ड्स ना आए, बर्ड नेट है ये। फ्रूटिंग होनी शुरू हो चुकी है। सभी प्लांट पर होनी शुरू हो चुकी है फ्रूटिंग। ये देखिए, सभी प्लांट में हमने कम पानी दिया होगा। आप भी कम जब पानी दिया करें अपने टमाटर के प्लांट में। जब आपके प्लांट, टमाटर के प्लांट फ्लावरिंग से फ्रूट बना रहे हो, आप अपने सॉइल में, मतलब लिक्विड फर्टिलाइजर डाल दिया करें, क्योंकि लिक्विड फर्टिलाइजर से जल्दी उसको पहुंचता है प्लांट को फर्टिलाइजर। ये देखिए, जोन सा हमने सॉइल बनाते समय फर्टिलाइजर डाला होता है, वो तो हौली हौली, मतलब धीरे धीरे से मिलता है। हमारे टमाटर के प्लांट्स, मतलब ये देखिए कितने कितने बड़े हो चुके हैं। ये देखिए, इनको स्टिक की जरूरत नहीं है। जैसे ये देखिए, ये प्लांट
थोड़े स्टिक लगानी पड़ी हमको, क्योंकि ये प्लांट ज़्यादा बुशी हो रहा था। इसको सिर्फ स्टिक लगाने की ज़्यादा ज़रूरत थी। हमने इसके तने के पास नहीं, इसके ये देखिए यहाँ से थोड़ा सा सहारा दिया हुआ, ये गिर मत जाए। हमारे सभी प्लांट ये देखिए स्ट्रेट खड़े हुए हुए हैं। ये अच्छे फर्टिलाइजर की वजह से होता। और ब्रांच देखिए हमारी, टमाटर की ब्रांच कभी टिम्बर नहीं बनती, मतलब सख्त लकड़ी नहीं बनती है, ऐसे ही रहती है सॉफ्ट वुड। पर तब भी इसको कोई भी स्टिक का सहारा नहीं दिया हुआ। अभी तो फ्रूटिंग आनी शुरू हो चुकी है। फ्रूटिंग फ्रूटिंग के बोझ पड़ जाता है प्लांट पे। जब फ्रूट बड़ा हो जाता है फिर तो हमें स्टिक लगानी पड़ेगी। पर ये देखिए हमारे प्लांट को स्टिक लगाने की ज़रूरत भी नहीं है। जब आपका प्लांट इतना, मतलब केयर आपको बता देता हूँ इसी वीडियो में, आपका प्लांट आपने बीज से लगाया, ये देखिए ऐसे पनीरी लेकर आए हैं आप, ये ली पनीरी ले आए, ये आपने लगा दी है, और ये मतलब 10-20 दिनों के बाद इसने इतनी हाइट ले लेनी है। ये देखिए 20 दिनों के बाद ऐसे हो जाना, और जब 1 मंथ पूरा हो जाएगा फिर आपके प्लांट ऐसा हो जाएगा। ये देखिए और आपके प्लांट के नीचे ये देखिए सकर्स निकलने शुरू हो चुके होंगे 1 मंथ के बाद। इसमें इतने फ्लावर नहीं आते, ये देखिए ये सकर्स निकले हुए हैं। ये देखिए ऊपर प्लांट के ये देखिए कितने ज्यादा फ्लावर आ रहे हैं। नीचे ये देखिए ये सकर्स के बस 3-4 ही फ्लावर आते हैं, और जोन से ऊपर प्लांट, मतलब जोन से यहाँ से प्लांट ऊपर जा रहा है, ये देखिए इसमें गुच्छों के रूप में फ्लावर आते हैं, 1, 2, 3, 4 नहीं आते इसमें। ये देखिए ये जितने फ्लावर थे सभी फ्लावर में फ्रूट सेट हो चुका। ये देखिए इसमें भी यही है, सभी में फ्रूट सेट हो चुका। इसको अब तो इसमें फ्लावर आ रहे हैं, अब मत तोड़ें, क्योंकि आपके इसमें फ्लावर आ चुके हैं, फल बनने दें इसमें। जब ऐसी स्टेज हो, ये देखिए जब ऐसी स्टेज हो फिर आप या कटिंग कर दिया करें या कटर से कट कर दिया करें। ये देखिए इसको हमने उतार दिया, इसके साइड में भी था, बस ऐसे हमने टच कर देना, ये अपने आप ही ये देखिए वहाँ से लत वहाँ से निकल जाएगा। अब यहाँ ये जोन सा निकल रहा है इसको निकलने देना, क्योंकि ये देखिए नीचे से ये एक ब्रांच जा रही थी, इधर से ये एक ब्रांच हो गई, ये एक सारी पे फ्रूट लगेगा, ये देखिए ये एक सारी इसमें अलग फ्रूट लगेगा, ये सेकंड यहाँ से हमने कट कर दिया था, ये एक ब्रांच अलग होगी, एक ब्रांच अलग होगी, ये देखिए दोनों पर फ्रूटिंग होगी हमारी। ये देखिए आप अपने टमाटर के हर किसी प्लांट में ओवर वाटरिंग मत करा करें, क्योंकि ओवर वाटरिंग ही आपके प्लांट के फ्रूट को भी कम कर सकती है और आपकी मेहनत को भी कम कर सकती है। ये देखिए ये प्लांट हमारा फ्लावर से भरा हुआ है, ये देखिए ऊपर भी, ये देखिए टॉप पे भी फ्लावर है। फ्रूट सेट भी हो चुके हुए हैं, ये देखिए इसमें अभी फ्लावरिंग होनी शुरू हो चुकी है, ये देखिए इसमें भी फ्रूट सेट हो चुके हैं। ये भी अभी छोटा प्लांट था, ये देखिए इसकी भी, ये देखिए जो जो सामने आपको दिखाया था ना, कटिंग कर दी थी और 2 टहनियाँ आ गई थी, ये देखिए 2 ब्रांचेस, ये देखिए नीचे से ये एक ही आ रहे थे, इधर ये फ्लावर का गुच्छा आ गया, इधर
अलग टहनी आ गई है, ये देखिए ब्रांच अलग हो चुकी है केली, और ये देखिए इधर से ये देखिए ये अलग ब्रांच आ चुकी है। ऐसे ही मतलब फ्लावरिंग हो जाती है अच्छी। ये देखिए हमारा ये प्लांट को अब पानी की कमी है, ये देखिए इसके लीव्स देखिए कैसे मुरझा चुके हैं, लीव्स नीचे नीचे हो चुके हैं। ये देखिए ये प्लांट भी गिरना शुरू हो चुका है क्योंकि इसको पानी की कमी है। ये देखिए कैसे इनके लीव्स नीचे नीचे हुए हुए हैं, इनको पानी की कमी है। आज हम पानी डालेंगे हम अपने प्लांट को, मतलब जैसे ये देखिए ये अब प्यासा, ये प्लांट हमारा प्यासा है, इसको पानी चाहिए। अब जैसे हमने इसको न्यूट्रिशन वाला फर्टिलाइजर डाला, इसने तुरंत वही अपने फ्लावरिंग को भी देना और फ्रूटिंग को भी देना, मतलब इसने साथ में ही उसमें मतलब जोन से भी न्यूट्रिशंस होंगे साथ में ही प्लांट ने कवर कर लेने हैं। अब आपको एक और केयर बताते हैं, ये देखिए नीचे जितने भी हमारे ये देखिए प्लांट्स के पत्ते थे, जितने भी थे हमने सारे वो कट कर दिए। जैसे ये देखिए नीचे कितने सारे लीव्स होते हैं, ये देखिए, ये देखिए जितने भी नीचे हमने लीव्स थे हमने सारे कट कर दिए हैं क्योंकि सोइल पे ये देखिए डायरेक्ट, अब तो सर्दियाँ हैं, धूप भी कम ही आती है, बादल ही ज़्यादातर छाए रहते हैं। ये नीचे ये देखिए सनलाइट पूरी पूरे हमारे गमले में आ रही है, पॉट में, पूरे हमारे पॉट में आ रही है सनलाइट। ऐसे ही आप नीचे के पत्ते कट कर दिया करें, जब आपको फ्रूटिंग आए फिर आप नीचे के पत्ते कट कर दिया करें, क्योंकि पत्ते मतलब ये देखिए पत्ते भी प्लांट्स के मतलब न्यूट्रिशंस लेते हैं, वही न्यूट्रिशन सारा आपके फ्रूट में जाएगा। बस आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। ये देखिए हमारे प्लांट, आपको एक और प्लांट दिखाते हैं, ये देखिए ये आइस बॉक्स में लगे हुए हैं। ये देखिए इसमें फ्रूट का साइज बड़ा हो चुका है, ये उससे 10 दिन पहले लगे थे प्लांट। ये वैरायटी कोई और है, ये स्मॉल वाली वैरायटी है, इसका प्लांट इतना बड़ा नहीं जाता। ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा, तो ये देखिए टमाटर, अभी भी टमाटर बन भी रहे हैं और फ्लावरिंग भी साथ साथ में ही स्टार्ट है। ये देखिए फ्लावरिंग भी साथ में ही स्टार्ट है, ये देखिए इसमें भी कितने सारे टमाटर बन रहे हैं। ये देखिए एक दो, ये देखिए, ये देखिए इसके पीछे भी कितने सारे टमाटर बन रहे हैं। ये देखिए फ्लावरिंग भी हो रही है, टमाटर भी बन रहे हैं। ये देखिए ये बिग साइज वाले टमाटर हैं, ये देखिए इसकी शेप से ही आपको पता लग रहा होगा ये बिग साइज वाले हैं। ये देखिए ये एक ही छोटे से पौधे में ही, ये देखिए एक छोटा सा ही है, इसमें ही 5-6 टमाटर लगे हुए हैं। ये देखिए ये एक है, ये दो आपको नजर आ रहे होंगे, तो देखिए ये दो साथ साथ में लगे हैं। ये देखिए इसके पीछे एक, ये लीव्स के पीछे, ये देखिए, ये देखिए तीन, ये देखिए ये देखिए 5-6, ये देखिए 5-6, इतने छोटे से प्लांट पे ही कितने सारे टमाटर लगे हैं। आप अच्छा अच्छा न्यूट्रिशन दें अपने प्लांट को, फिर वो आपको अच्छे से ही फ्रूटिंग भी करता है। ये देखिए आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें।